जी अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हजरात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द एंट्री टेस्ट। और ये एमसीक्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेड हैं, और आने वाले दिनों में भी ये एमसीक्यूज आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम 14,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। सबसे पहला सवाल देखें, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो काफी टफ टाइम देते हैं आप लोगों को, और ये काफी इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी सवाल होते हैं, लेकिन अगर आप इस ट्रिक को समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। पहले मैं आपको नीचे वाला सवाल समझाता हूं, इससे ऊपर, इसके बाद में ऊपर वाला आता हूं। देखें, वो ये कह रहा है, गेट द सम ऑफ एजेस, सम ऑफ, मैं थोड़ा सा आपके लिए बड़ा भी कर देता हूं, द सम ऑफ एजेस ऑफ फाइव चिल्ड्रन बॉर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स ईच इज 50 ईयर्स। वो ये कह रहा है कि भाई 5 चिल्ड्रन हैं, इससे आपको ये समझ आ गई, उनका जो सम है, उनकी एज का सम, यानी कि प्लस हो रहे हैं आपस में, बॉर्न एट एन इंटरवल ऑफ 3 ईयर, यानी कि हर 5 बच्चों के दरमियान जो फर्क है 3 सालों का, ठीक है, और किस किसके इक्वल है, इज 50 ईयर्स। तो यहाँ पर हमने कहा कि लेट द एज ऑफ द चिल्ड्रन बी एक्स, ठीक है जी। उसके बाद हमने 5 चिल्ड्रंस थे, तो 5 चिल्ड्रंस इसका मतलब है 5 वैल्यूज होंगी, आपस में ऐड होंगे, और उनको, उनका इंटरवल कितना है, 3 ईयर्स, ठीक है। अब देखें, पहला चिल्ड्रन है उसका एक्स हमने नाम रखा, दूसरे को हमने 3 ऐड होंगे, क्योंकि हर 5 बच्चों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स का है। दूसरा हमने एक्स प्लस 3 रखा, तीसरा हमने एक्स प्लस 6 रखा, चौथा हमने एक्स प्लस 9, और पांचवा हमने एक्स प्लस 12 रखा, ठीक है। अब उन्होंने आगे क्या कहा था, ईच इज 50 ईयर्स, यानी कि इज इक्वल टू 50। यहां पर हमने लिख दिया एक्स प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 50। अब यहां पर इसको आपने ऐड किया तो आपके पास बना 5x इक्वल टू 20, और x की वैल्यू आपके पास आ गई 4। इसका मतलब क्या है, निकालना क्या था, एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, यानी कि सबसे छोटा, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा चाइल्ड की एज क्या है, तो उसकी एज जो है वो हमारे पास 4 ईयर्स है, क्योंकि हमने लेट किया था उसकी एज को एक्स के इक्वल, इसीलिए हमने यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एक्स के इक्वल हमने लेट किया था, इसलिए हमने यंगेस्ट चाइल्ड यानी कि एक्स की एज निकाली। अगर वो ये कहता है कि दूसरे बच्चे की निकालें तो एक्स प्लस 3 की निकालते, इसी तरीके से एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 9 और एक्स प्लस 12। बहुत आसान सवाल था। अ फादर सेड टू हिज सन, फादर ने सन से कहा, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर द प्रेजेंट एट टाइम ऑफ योर बर्थ, इफ द फादर्स एज इज 38 ईयर्स नाउ, द सन्स एज 5 ईयर बैक वॉज। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। वो ये कह रहा है कि फादर ने अपने सन से कहा कि भाई मैं इतना ओल्ड हूँ कि तुम्हारी बर्थ जितना, ठीक है जी। अब वो ये कह रहा है इफ द फादर एज, अगर तो फादर की एज 38 ईयर्स है तो फिर सन्स की एज 5 साल पहले क्या होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें 38 है, अब वो कह रहे हैं लेट द सन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, क्योंकि सन की प्रेजेंट एज जो है वो एक्स ईयर्स हमने लेट कर ली। अब ये हमारे पास कैसे आया, 38 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। देखें वो ये कह रहे हैं ना, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट टाइम ऑफ योर बर्थ, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, और फादर की एज 38 ईयर्स है, तो 38 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, सिंपल, क्योंकि उसने कहा कि आई वॉज एट द एज के आप जो है ना वो इतने हैं, ठीक है। 38 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, एक्स को आप एक साइड पे रखें, एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, तो 2x इक्वल टू 38, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल्स टू 19। सही है जी, बहुत आसान सवाल। अच्छा, यहाँ पे सवाल अभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हमने 5 साल पहले की निकालनी है, ये तो अभी प्रेजेंट की निकली है, 5 साल पहले की निकालनी है, तो हमने 19 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, और जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 14 ईयर्स, यानी कि 14 साल जो है वो 5 साल पहले जो एज थी वो 14 ईयर्स यानी कि 14 ईयर्स थी, ठीक है। ए इज 2 ईयर्स ओल्डर देन बी हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ओल्ड एज सी। अच्छा जी, ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है, जो कि ट्वाइस है सी के। अच्छा जी, मतलब कि बी जो है वो ट्वाइस है। इफ द टोटल एज ऑफ द ए बी एंड सी बी 27, हाउ ओल्ड इज बी, यानी कि हमने बी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब हमने लेट कर लेते हैं कि सी की वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है, क्योंकि बी को उसने कहा है कि बी इज ट्वाइस ओल्ड एज सी, यानी कि बी इज इक्वल टू 2x, क्योंकि हमने सी की वैल्यू को एक्स लेट किया। यहाँ पर देखिए, लेट सी बी एक्स ईयर्स, देन बीज एज इज इक्वल टू 2x ईयर्स, ठीक है। अब हमने क्या कहा, बी एज इज इक्वल टू 2x क्यों कहा, क्योंकि बी के उसने कहा था कि बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, सो बी इज इक्वल टू 2x हो गया। अब ए इज 2 ईयर्स ओल्डर देन बी, इसका भी तो हमने कुछ करना है, 2 ईयर्स ओल्डर का मतलब हो गया कि ए इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक है, क्योंकि बी हमारे पास 2x है ना, और 2 ईयर्स ओल्डर का मतलब है उसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास बी की, ए की वैल्यू निकल आएगी, सॉरी, तो 2x प्लस 2 ईयर्स। अब आपने निकालना क्या है, सिंपल आपने क्या करना है कि इन सबको आपस में ऐड कर देना है, 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस x, कैसे, देखें टोटल निकालना है ना, लिखा है ना, इफ द टोटल ऑफ एजेस ए बी एंड सी, अब हमें ए की भी पता है कि 2x प्लस 2 ईयर्स है, बी की भी पता है 2x ईयर्स है, और सी की भी पता है x ईयर्स है, तो हम ये लिख सकते हैं x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 27। यहां से हमने x की वैल्यू निकाली और हमारे पास बी, ये अभी x की वैल्यू किसकी निकली है, c की, क्योंकि हमने c को लेट किया था x। अब जब तक हम इसको डबल नहीं करेंगे हमारे पास b की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि b इज ट्वाइस एज ओल्ड एज c, यानी कि b जो है वो 2 टाइम्स है c के, तो इस वजह से c की वैल्यू अभी हमारे पास 5 निकली है। अभी हम इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू निकलेगी, वो जो कि हमारे पास होगी 10 ईयर्स।
आगे देखें तो वो ये कह रहे हैं जनाब के प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड अनंत आर इन द रेशियो 5:4 रिस्पेक्टिवली। जो प्रेजेंट एजेस हैं वो 5:4 है समीर और अनंत की, 3 ईयर्स हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 11:9। अच्छा जी, वो ये कह रहा है कि जनाब 3 साल बाद उनकी जो रेशियो है एज की वो बन जाएगी 11:9। व्हाट इज अनंत प्रेजेंट एज इन ईयर्स? अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, काफी दफा रिपीट हुआ है ईयर के टेस्ट में और कॉम सेट्स के टेस्ट में। क्या क्या रहा है? वो ये कह रहा है जनाब समीर और अनंत की प्रेजेंट एज हमारे पास इस रेशो में 5:4 में, और 3 साल बाद उनकी जो रेशो है वो ये बन गई है। अब हमने अनंत की प्रेजेंट एज बतानी है। अब देखें, हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट एज जो है वो समीर और अनंत की 5x और 4x ईयर्स है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट एज ऑफ द समीर एंड अनंत आदि रेशो, ठीक है। तो हमने 5x और 4x सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, समझ आ गई है चीज आपको। 3 ईयर्स के बाद यानी कि प्लस 3 कर दें, तो अगर हम इनकी रेशियो 5x+3 और 4x+3 कर दें तो वो इक्वल हो जाएंगे 11 और 9 के। यहाँ पे देख लेते हैं, बिल्कुल यही काम किया हुआ है। देखें, क्योंकि हमें पता था कि प्रेजेंट रेशियो हमारे प्रेजेंट एज क्या है 5 और 4, हमने इसको 5x और 4x सेलेक्ट किया, और 3 साल बाद का मतलब है प्लस 3 कर दें, तो 5x+3 और 4x+3 कर दिया, इनकी रेशियोज इक्वल हो जाएंगे हमारे पास 11 और 9 की। यहाँ से सिंपल और सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब यहां पर हमने 6x की वैल्यू अभी हमारे पास आई है, ठीक है, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? यहां पर मैं बताता हूं, 4 से आपने इसको मल्टीप्लाई क्यों इसलिए किया क्योंकि हमने कहा था कि अनंत की प्रेजेंट एज 4x ईयर्स है, अभी हमने खाली x की वैल्यू निकाली है। जब तक हम इसको x को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट एज नहीं निकलेगी अनंत की। सिंपल सिमिलरली इज द केस, अगर हम x को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो समीर की एज नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से हमने 24 ईयर जो है वो एज निकाल ली। द अ मैन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अ मैन इज 25 ईयर्स ओल्ड देन हिज सन, कि जो बंदा है वो अपने जो बाप है वो अपने बेटे से 24 ईयर्स 24 साल बड़ा है। इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ द सन, यानी कि 2 साल बाद जो इसकी एज है वो डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी किसके बेटे के। द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, प्रेजेंट एज निकालनी है जनाब हमने सन की, कि सन की प्रेजेंट एज क्या है, 18 साल 20 साल 22 साल। अब लेट द सन एज बी एक्स, जो चीज हमने फाइंड करनी है ना वो हमने निकाल लेनी है एक्स से, एक्स उसको लेट कर लेना, ठीक है। अब मैन की प्रेजेंट एज वो क्या कह रहा है, मैन इज 24 ईयर्स ओल्ड देन, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है कि मैन इज 24 ईयर्स, तो इसका मतलब है कि एक्स प्लस 24 हो जाएगा, एक्स प्लस 24 हमारे पास आ गया। अब वो ये कह रहा है कि जो 2 सालों में उसकी एज ट्वाइस हो जाएगी, तो हम इसको 2 × x+2 कह देंगे ना, क्योंकि हमने मैन की प्रेजेंट एज अभी क्या कहा है एक्स प्लस 24, तो हम क्या कह देंगे प्लस 2 इसमें करेंगे तो इज इक्वल टू 2x+2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है, ट्वाइस और दी एज, सिंपल इज दैट। यहां से हमने एक्स की वैल्यू निकाली और हमारे पास चिल्ड्रन की यानी कि सन की एज निकल आएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। देखो वो ये कह रहा है कि 6 ईयर्स अगो, 6 साल बाद द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ उस्मान एंड रऊफ वाज 6:5, यानी कि जो इनकी एज की रेशियो है वो हमारे पास 6:5 है। 4 ईयर्स हेंस द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 11:10, यानी कि वो ये कह रहा है 4 साल के बाद उनकी जो रेशियो है वो 11:10 बन जाएगी। व्हाट इज द रऊफ एज एट प्रेजेंट, यानी कि हमने रऊफ की एज बतानी है कि फिलहाल अभी उसकी रऊफ की एज क्या है, 16 ईयर्स 18 ईयर्स 20 ईयर्स, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या नन ऑफ दीज, ठीक है। देखें, हमने लेट कर लिया जिस तरह हमने ऊपर लेट किया था ना 4x और 5x, इसी तरह हमने इसमें भी लेट कर लिया कि 6x और 5x जो है वो उस्मान की और रऊफ की एज है, ठीक है जी। लेट द एजेस बी 6x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। अब वो क्या कह रहे हैं 4 ईयर्स हेंस, 4 ईयर हेंस का मतलब क्या है, 4 ईयर हेंस का मतलब है कि 4 साल बाद, तो 4 ईयर हेंस को हम लिख सकते हैं कि प्लस 4, यानी कि यहां पर देखें 6x+6 क्यों किया ये मैं बताता हूँ, क्योंकि 6 ईयर अगो है ना, इसलिए 6x+6 कर दिया और 5x+6 कर दिया, प्लस 4 इसलिए किया कि 4 ईयर हेंस, और रेशियो हमारे पास बन गई 11:10। यहाँ से सिंपल और सिंपल हमने x की वैल्यू निकालनी है और रऊफ की प्रेजेंट एज किस तरीके से निकलेगी, अगेन वही काम आप करेंगे कि जो x की वैल्यू निकाली है उसको हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके 6 के साथ ऐड भी करेंगे। ऊपर वाले सवाल में हमने मल्टीप्लाई किया था, ऐड नहीं किया था, क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट कहा था, यहाँ पे 6 ईयर्स अगो है, ठीक है, इसलिए हमने 6 जो है वो उसमें ऐड कर दिया। ये 6 साल पहले की बात है ना, इस वजह से अभी हमने 6 साल बाद निकालना है, इस वजह से हमने 6 जो है वो ऐड किया ताकि हमें प्रेजेंट एज पता चल सके रऊफ की। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स, वो ये कह रहा है सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन इज 60 ईयर्स 6 ईयर्स अगो, यानी कि 6 साल बाद फादर की एज जो है वो 5 टाइम्स हो जाएगी एज ऑफ द सन की, यानी कि सन की एज के 5 गुना हो जाएगी। आफ्टर 6 ईयर्स सन्स एज विल बी, यानी कि 6 साल के बाद जो सन है उसकी एज क्या होगी, अगेन वही हमने लेट करना है कि सन की एज को हमने लेट कर लेना है एक्स के लिए, और फादर की एज क्योंकि हमारे पास क्या है 60 माइनस एक्स, क्यों 60 माइनस एक्स इस वजह से, या फिर आप इसको -x+60 भी कह सकते हैं, क्योंकि 60 ईयर्स जो है प्रेजेंट एज है फादर की। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन एंड द फादर बी एक्स, सन की तो एक्स लेट कर ली, लेकिन जो हमने फादर की एक्स की लेट की वो 60 माइनस एक्स है। यहाँ पर अगर आप लेट में गलती कर लेंगे तो आगे सवाल मुश्किल है कि सॉल्व हो।
अब वो ये कह रहा है 6 साल के बाद, 6 साल के बाद फादर एज वॉज 5 टाइम्स, 6 साल के बाद फादर एज वॉज 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन। अच्छा जी, तो हमने क्या किया कि 5 टाइम्स कर लिया, 5 मल्टीप्लाई कर लिया, सिंपल इज दैट। जब 5 मल्टीप्लाई किया, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, निकालना क्या है सन की एज, तो जो एक्स की वैल्यू निकलेगी एक्स, तो वही आपके पास जो है वो आंसर हो जाएगा, सिंपल इज दैट। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, एट प्रेजेंट, अच्छा ये बड़ा सवाल ना, नाम चेंज कर देते लेकिन सवाल यही रहने देते। एट प्रेजेंट लिखा हुआ क्या जनाब इसमें, के द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ फजल एंड बिलाल इज, रेशियो जो है वो हमारे पास फजल और बिलाल की 4 और 3 है। जब भी इस तरह का सवाल आए ना, तो आपने 4 और 3 को ये नहीं कहना 4 और 3, आपने बस 7x भी लगाना है, 4x और 3x, ठीक है। यहाँ पे देखें, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फजल एंड बिलाल बी 4x एंड 3x रिस्पेक्टिवली आफ्टर 6 ईयर्स, यानी कि 6 साल के बाद, 6 ईयर्स का मतलब है 6 साल के बाद अरुण एज विल बी 26 ईयर्स। अब ये अरुण कहाँ से उठ के आ गया, अरुण एज विल बी 26 ईयर्स, वट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट, यानी के जो दीपक की एज है प्रेजेंट में वो क्या होगी। अच्छा जी, अब हमें फिलहाल इन्फॉर्मेशन गिवन है फजल और बिलाल की, तो हम ये कह रहे थे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फजल एंड बिलाल बी 4x एंड 3x देन रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर क्या किया, 6 साल के बाद, 6 साल के बाद ना अरुण एज विल बी 26 ईयर्स। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है, आप पहले ये चीज समझे कि 4x प्लस 6 क्यों किया कि 6 साल के बाद, तो इसीलिए हमने 4x प्लस 6 किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 26 क्यों आया, क्योंकि 26 ईयर्स हो जाएगी अरुण की एज 6 साल के बाद, तो 4x प्लस 6 हम करेंगे तो अरुण की एज 26 है, इस वजह से 4x प्लस, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, अभी x की वैल्यू 5 आ गई। बिलाल की एज तो निकाल सकते हैं आप, और अब फजल की भी एज निकाल सकते हैं, क्योंकि आप x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिलाल की एज निकल आएगी, और अगर हम x को 4 से, ये माउस कहाँ गया मेरा, अगर हम x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी एज निकल आएगी, तो हमारे पास जो है वो फजल की एज निकल आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, बिलाल एज आपके पास निकल गई 3x = 15 करके, और 15 ईयर्स आपके पास बिलाल की एज निकल गई। मेरे ख्याल से इस सवाल में कोई मसला है, क्योंकि इस सवाल में अरुण और दीपक की बात हुई हुई थी, लेकिन ये मेरे ख्याल से अरुण एज की जगह फजल ही एज होगा, और एज ऑफ बिलाल एट प्रेजेंट हमने निकालना था, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा जो है वो गलत लिखा हुआ है। अच्छा जी, सुहेल इज यंगर देन रिजवान बाय 7 ईयर्स, यानी कि जो सुहेल है वो यंगर है रिजवान बाय 7 ईयर्स, ठीक है, 7 ईयर जो है वो उससे यंगर है। इफ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिवली रेशियो ऑफ 7:9, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर उनकी जो एजेस हैं वो रिस्पेक्टिवली 7:9 है, हाउ ओल्ड इज सचिन, यानी कि सचिन की जो एज है वो हमारे पास क्या होगी, ठीक है। लेट रिजवान एज भी एक्स ईयर्स, ठीक है जी, रिजवान की एज हम एक्स ईयर्स कर लेते हैं, उसके बाद हम सुहेल एज किस तरीके से निकालेंगे, हम सुहेल एज इस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि सुहेल जो है वो यंगर है, इस वजह से हम एक्स माइनस 7 ईयर्स कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्स माइनस 7 ईयर्स। उसके अलावा हम देखें, आप एक्स माइनस 7 = 7 कैसे हुआ ये, देखें ऊपर क्वेश्चन पढ़े, अगेन मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए खोलता हूँ, सुहेल इज यंगर देन रिजवान बाय 7, जिसका मतलब ये है कि सुहेल जो है वो एक्स माइनस 7 ईयर्स, क्योंकि हमने रिजवान की एज को लेट किया था एक्स के इक्वल, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इफ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिवली रेशियो 7:9, अब ये देखें 7:9 है और इनकी एजेस जो है वो रिस्पेक्टिवली रेशियो में है, ठीक है। अब ये चीज आप लोगों को समझ आ गई कि रेशियो में हमने 7:9 लिख दिया, क्योंकि 7 क्यों लिखा, 7 के साथ x माइनस 7 क्यों लिखा, क्योंकि सुहेल है ना, सुहेल की हमने क्या बताई एज x माइनस 7, और 9 के साथ तो x ही आएगा, क्योंकि हमने रिजवान की एज को लेट किया हुआ x, यहाँ से x की वैल्यू निकालें, निकालनी किसकी है हमने, निकालनी एज किसकी है, सुहेल की एज निकालनी है, सचिन नहीं है ये, सुहेल है, सुहेल की एज हमने निकालनी है, तो वो अगेन आपके पास जो ही आंसर आएगा x का उसको मैं माइनस 7 कर देना, आपके पास सुहेल की एज निकल आएगी। बहुत आसान सवाल मैंने कर दिया। द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 persons इज इन प्रोपोर्शन, अच्छा जी, प्रेजेंट एजेस हमें पता है 8 ईयर्स बाद सम ऑफ द एजेस आर 56, फाइंड द प्रेजेंट एज इन ईयर्स। अच्छा, हमें प्रेजेंट एज फिलहाल जो पता है वो हमें प्रोपोर्शन में पता है, वो ये कह रहे हैं 8 साल बाद उनकी जो सम ऑफ द एजेस है वो 56 है, हमें प्रेजेंट एज बतानी है ईयर्स में, तो ये काम आपने करना है, प्रेजेंट एजेस को हमने लेट कर लेना है 4x 7x और 9x, मैंने आपको बताया था कि x साथ लगा देना है आपने, ठीक है, 4x 7x और 9x, 8 ईयर्स के बाद का मतलब है कि आपने क्या करना है -8, यानी कि 4x -8 7x -8 और 9x -8, और आपस में इनको सम करना है, क्योंकि लिखा हुआ है सम ऑफ देयर एजेस, ठीक है, तो आपस में सम करना है और इज इक्वल टू 56। देखें स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। खैर, 8 साल बाद का मतलब ये हो गया कि 4x -8 7x -8 और 9x -8, सम ऑफ देयर एजेस का मतलब होगा कि इन सब की एजेस को सम करना है और इज इक्वल टू 56 आ गया। फाइंड द प्रेजेंट एजेस, x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद आपने सिंपल 4 से मल्टीप्लाई करना तो इसकी प्रेजेंट एज निकलेगी, 7 से मल्टीप्लाई करना तो इसकी निकलेगी, और 9 से करना तो तीसरे की निकलेगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर व्हिच इज 16 26 एंड 28 एंड 36, ठीक है। आयशाज फादर वाज 38 ईयर्स ऑफ एज
एज व्हेन शी वाज बोर्न व्हाइल हर मदर वाज 36 ईयर ओल्ड व्हेन हर ब्रदर 4 इयर्स यंगर टू हर वाज बोर्न। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। वो ये कह रहा है जी आयशाज फादर वाज 38 इयर्स ओल्ड जब वो बॉर्न हुई, ठीक है जी, और मदर जो है वो 36 ईयर ओल्ड थी व्हेन हर ब्रदर 4 इयर्स यंगर टू हर वाज बोर्न। यानी कि जो इसका ब्रदर है चार साल छोटा वो बॉर्न हुआ, तो उसकी मदर की एज 36 थी। डिफरेंस निकालना है बिटवीन द एजेस ऑफ हर पेरेंट्स, यानी कि उन पेरेंट्स के दरमियान एज, उनके एज का कितना डिफरेंस है उन दोनों के, मियाँ और बीवी के, ठीक है जी। ऑप्शन तो सी है, लेकिन कैसे है, मदर्स एज व्हेन आयशा वाज बॉर्न, आपको पता चल गया कि 36 ईयर है, ये तो सिंपल लिखा हुआ भी है, ठीक है जी, व्हेन आयशा वाज बॉर्न। फादर एज व्हेन आयशा वाज बॉर्न, फादर की एज क्या थी जनाब, देखें ये चीज हमें कैसे पता लगी, 38 प्लस 4 करेंगे तो 42 हो जाएगा। 38 प्लस 4 क्यों किया आपने, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाइल मदर वाज 36 ईयर ओल्ड व्हेन हर ब्रदर 4 इयर्स यंगर टू हर वाज बॉर्न, ठीक है जी। अच्छा, रिक्वायर्ड डिफरेंस किस तरीके से निकलेगा, इन दोनों की एज को माइनस कर देंगे, आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंस निकल आएगा। बहुत आसान सवाल मैंने कर दिया। अच्छा, अब पर्सन प्रेजेंट एज, पर्सन की जो प्रेजेंट एज है वो 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, 2/5 का मतलब 2/5, आफ्टर 8 ईयर्स ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट, यानी कि फिलहाल जो मदर है उसकी प्रेजेंट में उनकी एज क्या है, ठीक है। हम मदर की एज को ऐड कर लेते हैं एक्स को। अब हम पहली स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, पहले आप स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखे, उसके बाद सारा काम आसान है। देखिए वो ये कह रहा है पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5, पर्सन की एज को हमने क्या ऐड किया एक्स, तो इसका मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू 2/5x, ठीक है जी। आफ्टर एट ईयर्स का मतलब है कि 8 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर 8 ईयर्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और हो, बिफोर हो तो माइनस होता है, प्लस होगा तब जब आफ्टर होगा, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर्स यानी कि 8 साल बाद इसमें आप 8 ऐड करोगे, ठीक है, 2/5x प्लस 8, ही विल बी इज इक्वल टू का मतलब इज इक्वल टू आ गया, ठीक है। ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज मदर का मतलब क्या है, हाफ हो जाएगी एज ऑफ हिज मदर, हमारे पास क्या है x प्लस 8 है ना, x प्लस 8 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास आफ्टर 8 ईयर्स का है और मदर की प्रेजेंट एज को हमने क्या लेट किया हुआ है, x लेट किया हुआ है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया x प्लस 8 हमारे पास बन गया, और हाफ है, हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x की वैल्यू आएगी वही हमारे पास मदर की प्रेजेंट एज होगी, जिसका मतलब है 40, विच मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। q इज एज मच यंगर देन r एज ही इज ओल्डर देन t। अच्छा जी, मुश्किल सवाल है, ये पेपर में आया हुआ है एयर के टेस्ट पे पहले वाले में। क्यू जो है वो यंगर है आर के एज इज ओल्डर देन टी, और आर जो है वो ओल्डर है टी के। इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ आर एंड टी इज 50 इयर्स, यानी कि सम ऑफ एजेस ऑफ आर एंड टी का मतलब है कि आर प्लस टी हमें पता है कि 50 इयर्स है, व्हाट इज डेफिनेटली द डिफरेंस बिटवीन आर एंड क्यू एज, आर और क्यू के दरमियान हमें एज निकालनी है, हमें गिवन क्या है, देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन दैट द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन आर एंड क्यू, आर एंड क्यू के दरमियान डिफरेंस हमें पता है इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन क्यू एंड टी। अच्छा ये देखिए ना, क्योंकि लिखा हुआ है क्यू इज मच यंगर देन आर एज ई इज ओल्डर देन टी, ठीक है, और क्यू और टी के दरमियान हमें डिफरेंस और डिफरेंस बिटवीन आर एंड क्यू हमें पता है, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, आर और क्यू की एज का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, ठीक है। सम ऑफ एज ऑफ आर एंड टी 50, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आर प्लस टी जो है वो हमारे पास 50 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, हमने निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन आर एंड क्यू एज, यानी कि आर माइनस क्यू निकालना है। अब ये चीज हमें पता है कि आर माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस टी है, ये गिवन डाटा नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा सिर्फ हमें ये है कि सम ऑफ एज ऑफ आर एंड टी इज 50, तो सिंपल आपने क्या किया, आर प्लस टी इज इक्वल टू 2q, आर प्लस टी इज इक्वल टू 2q हमने क्यों किया, हमें ये पता है कि आर प्लस टी इज इक्वल टू 50 है, ठीक है। अब 50 को हमने 2 कर दिया, 2 इंटू क्यू कर दिया, क्योंकि क्यू की वैल्यू हमने निकालनी है, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 25 होगी। अभी 2 कहाँ से आया, अभी आप में से बहुत से लोग ये पूछेंगे कि 2 कहाँ से आया, 2 किस तरीके से आया, जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में, तो बहुत आसान है, क्वेश्चन भी आपके सामने मैंने खोल दिया, 2 किस तरीके से आया जल्दी से बताएं। सिंपल हमने क्यू की वैल्यू निकाली और इस तरीके से सवाल जो है वो सॉल्व हो गया। अच्छा ये रेशो और प्रोपोर्शन वाले सवाल तो होते रहेंगे, अब मैं जरा आगे चलता हूँ, रेशो और प्रोपोर्शन की बात करूँ, एजेस वाले सवाल तो होते रहेंगे। अच्छा ये इंपॉर्टेंट जो है ना, ये फॉर्मूला पढ़ लें, इफ द करंट एज इज एक्स, अच्छा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है भाई, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये हल्का नहीं लेना। एन टाइम्स एज इज एन एक्स, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि एन एक्स हो जाता है। इफ द करंट एज इज एक्स देन एज एन ईयर्स लेटर बिकम्स, यानी कि आफ्टर 8 ईयर जैसे हमने ऊपर किया तो एक्स प्लस 8, ठीक है। एन ईयर्स अगो का मतलब होता है बिफोर, गुजरने वाला, गुजर गया तो वो माइनस हो जाता है। एजेस अगर हमें गिवन है रेशियो में तो इट विल बी ए एक्स एंड बी एक्स, एक्स मल्टीप्लाई हो जाता है। इफ द करंट एज इज एक्स देन 1/n ऑफ द एज इज एक्स बाय एन, बहुत आसान। अब हम आते हैं जरा नीचे, स्पीड और टाइम और डिस्टेंस के रिलेटेड जो सवाल आते हैं हमें, ये देखें जी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो ये कह रहा है पर्सन ने जो है वो 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट जो है वो क्रॉस की 5 मिनट में।
अब उसकी स्पीड कितनी थी भाई किलोमीटर पर आवर में, 3.6, 7.2, 8.4 या 10। अब यहाँ पर देखें तो हमें ये पता है कि हमें लेंथ पे गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और हमें टाइम भी गिवन है। हमें फार्मूला पता है स्पीड का, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये तो हमारे पास मीटर पर सेकंड में निकल आया 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें जिस चीज में चाहिए वो हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए फार्मूला एक हमारे पास होता है। देखिए किलो क्या होता है, हमारे पास 10^3 होता है और हमारे पास आवर कितना होता है, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और कितने सेकंड होते हैं, 3600 होते हैं। खैर यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट काम किया हुआ है, आपने डायरेक्ट काम नहीं करना, किलोमीटर और आवर का सारा फॉर्मूला पुट करना है और आपके पास काम हो जाएगा। इन्होंने 18/5 से किया, ठीक है। एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टन डिस्टेंस, एरोप्लेन ने जो है वो सर्टन डिस्टेंस कवर किया एट 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। अच्छा जी, एरोप्लेन ने कवर किया डिस्टेंस, स्पीड हमें गिवन है और टाइम भी गिवन है। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 whole 2/3 hours, इट मस्ट ट्रेवल द स्पीड। डिस्टेंस हमें गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, सॉरी डिस्टेंस हमें निकालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस निकालें तो क्या निकलेगा, 240 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1200 किलोमीटर निकलेगा, क्योंकि हमें स्पीड और टाइम गिवन है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लिया। अब वो ये कह रहा है कि आपने अगर डिस्टेंस निकालना है 1 whole 12/3 hours का टू कवर द सेम डिस्टेंस, इट्स मच कवर। अब हमें बेसिकली निकालनी स्पीड है, ठीक है, रिक्वायर्ड स्पीड है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हमें डिस्टेंस ये तो पता है और हमें जो है वो डिस्टेंस हमें पता है और हमें टाइम भी पता है, ठीक है। अब 1 whole 2/3 को किस तरह लिख सकते हैं, 5/3 कैसे, 3 1 3 और प्लस 2 करेंगे 5, तो 5/3 hours हो गया, कोई मसला तो नहीं है इसमें, कोई मसला नहीं है इसमें। अब हमें टाइम चेंज करना है, टाइम हमने ये नहीं यूज करना 5 आवर्स। देखें हमने स्पीड जो है वो निकालनी है, डिस्टेंस तो यही रहेगा, ठीक है। सब वो ये कह रहा है क्योंकि डिस्टेंस ये क्यों रहा, क्योंकि उसने कहा सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल और सिंपल हमने 240 था, 240 डिस्टेंस रखा, टाइम को हमने चेंज किया, 5/3 किया और सिंपल हमारे पास रिक्वायर्ड स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में या KMPH में निकालनी है तो उसमें निकालनी। सो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन, वैसे किलोमीटर पर आवर में ही निकलेगी, ठीक है, सॉरी किलोमीटर पर आवर कह रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर, हाँ पर आवर में निकलेगी। KMPH लिखें या KM बार आवर लिखें, एक ही बात है, मैं भी कंफ्यूज होगा जैसे। अच्छा जी, इफ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा वो ये कह रहे हैं अगर जो बंदा एक है वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, आगे कह रहा है ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर। अच्छा, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हिम, भाई उसने कितना ट्रेवल किया, अगर तो वो वॉक करता ना 14 किलोमीटर, अभी वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रहा है, लेकिन अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रहा था तो वो ये कह रहा है कि वो 20 किलोमीटर और चल सकता था। एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, सिंपल नजर आ रहा है डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने निकालना है, लेकिन हमें एक्चुअल डिस्टेंस अभी फिलहाल गिवन नहीं है, तो एक्चुअल डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया एक्स के, ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस को हमने लेट किया एक्स के और हमें ये पता है कि x/10 = x + 20/14 कैसे लिखे। आप देखें x/10, क्योंकि देखें x/10 अब करेगा तो 10 से तो वो देखें x + 20 हो गया, क्योंकि x की जगह हम नहीं देखें, ये प्रोपोर्शनलिटी इस तरीके से लिखते हैं, x के साथ x आएगा और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट आएगा इक्वल टू में, तो आपको ये तो समझ आ गया 10 के साथ 14 आएगा और x के साथ आगे क्या आएगा x + 20, क्योंकि 20 किलोमीटर मोर वो ट्रैवल कर सकता है, तो मोर का मतलब क्या हुआ x + 20। तो सिंपल आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी और आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे देखें तो ये कह रहा है अ ट्रेन कैन ट्रैवल 50% फास्टर देन अ कार, यानी कि एक ट्रेन है जो कि ट्रैवल कर सकती है 50% फास्टर देन अ कार, बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम। अच्छा, इस सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को समझने की कोशिश करें। वो ये कह रहा है ट्रेन है और वो ट्रैवल कर रही है 50% कार से तेज, ठीक है, दोनों स्टार्ट होते हैं पॉइंट ए से सेम ही टाइम में और पॉइंट बी पे पहुंचते हैं 75 किलोमीटर फ्रॉम ए एट द सेम टाइम। अच्छा जी, 75 किलोमीटर अवे पहुंचते हैं फ्रॉम ए एट द सेम टाइम। ऑन द वे हाउ एवर द ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट्स वाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशन, यानी कि जाते हुए रास्ते में ट्रेन जो है वो 12.5 मिनट्स गवा चुकी स्टेशन पे रुक के। स्पीड कितनी थी कार की, लेट द कार और स्पीड ऑफ द कार भी जो चीज़ फाइंड करनी है लेट कर लो एक्स, क्योंकि फार्मूला तो लगने से रहा नहीं ना, हमें डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस वगैरह हमें पता है लेकिन हमें एग्जैक्ट कार के लिए नहीं पता ना, ठीक है, क्योंकि हमें कार के लिए एग्जैक्ट निकालना है और कार के लिए टाइम भी नहीं हमें पता। खैर, हमने स्पीड ऑफ द कार को लेट किया एक्स के इक्वल। अब पहले तो स्पीड ऑफ द ट्रेन निकाल लो, किस तरह निकलेगी, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये 50% है ना, 50% फास्टर देन द कार, 50% फास्टर देन द कार। तो सिंपल हमने 50% का किया 150/x × 100 और हमारे पास 3/2x² आ गया। एंड सिंपल वही वाला रेशो वाला काम हमने नीचे किया और हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसको आप देख भी सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप ये कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, आगे वाले सवालात पे चलते हैं जरा।
ये वाले सवाल तो चले आप लोगों को अब समझ आ ही गए होंगे कि किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। आप स्पीड से हट के ज़रा हम ये फार्मूलाज आप लोगों को दिखा दें, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। किलोमीटर पर आवर को अगर हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई कर देते 5/18 से, और सेम अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो आप मल्टीप्लाई कर देते 18/5 से। अगर तो हमें रेशियोज गिवन है तो रेशियो ऑफ द टाइम टेकन कितना होगा, 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर भी, जैसे अभी हमने किया, ठीक है। और आगे सपोज अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट एक्स किलोमीटर पर आवर एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ वाई द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। अच्छा यार ये हमने सवाल किया हुआ है, कॉम सेट्स के एंट्री टेस्ट में भी ये सवाल आया हुआ है कि एवरेज स्पीड अगर हमने निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। क्या फॉर्मूला होता है दोबारा से बताएं, 2xy/x+y। आप जरा इंटरेस्ट के सवालात पे आते हैं, लेकिन इंटरेस्ट के सवालात पे आने से पहले आप लोगों को इसके फार्मूलाज में जरा दिखा दूं, क्योंकि इंटरेस्ट के सवालात ऐसे फार्मूला के बगैर आप लोगों से नहीं होंगे। इसकी फार्मूला शीट कहाँ गई, फार्मूला शीट कहाँ गई, फार्मूला शीट इसकी देख लेते हैं। हाँ यहाँ से ज़रा एक मिनट, यहाँ से ज़रा एक ये सवाल गुजर गया रास्ते में तो इस सवाल को कर लेते हैं। अच्छा वो ये कह रहा है कि द लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 5-10 विजिटर्स ऑन संडेज एंड, वो मैं फार्मूला शीट जरा आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लाइब्रेरी है और उसकी जो एवरेज है वो ये है कि भाई 510 विजिटर जो है उन्होंने विजिट किया संडे को, और 240 ने अदर डेज पे। एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स यानी कि हमने बताना है कि भाई एक दिन में और एक महीने हर मतलब के जो महीना है उसके एक दिन में एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स कितने जो है वो दिन विजिट करते हैं, या कितने एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स जो है वो इसको विजिट करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस द मंथ, अच्छा मंथ बिगिन भी हो रहा है संडे से। सो देखें अगर तो संडे से मंथ बिगिन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास संडेज हैं वो 5 हैं, क्योंकि एक महीने में 5 संडेज होते हैं, ठीक है जी। अब रिक्वायर्ड एवरेज निकालनी है, किस तरीके से निकालेंगे, 510 हैं, 510 को हमने मल्टीप्लाई करने हैं 5 के साथ, और 240 को मल्टीप्लाई करने हैं 25 के साथ। क्यों 510 को 5 के साथ इसने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5-10 विजिटर्स खाली संडे को विजिट करते हैं, देर आर 5 संडेज इन अ मंथ, ठीक है। तो 5-10 × 5 प्लस 4, 240 बाकी दिनों में, तो बाकी दिनों में कितने बच गए, 5 माइनस करने तो 25 बन गए एक महीने में बाकी दिन, तो 240 × 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, A=S/N, सम निकाला हमने, सम करा और डिवाइड बाय टोटल कर दिया, तो 30 से डिवाइड किया और आपके पास आंसर बन जाएगा विच इज 285, जिस मीन दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ ही ऊपर वाला सवाल भी देख लेते हैं, वो ये कह रहा है एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इन ए क्लास, यानी कि 16 बॉयज हैं और उनका जो एवरेज वेट है क्लास में वो 50.25 किलोग्राम है, और रिमेनिंग 8 बॉयज जो हैं इनका जो वेट है वो 45.15 किलोग्राम है, यानी कि टोटल बॉयज हमारे पास कितने होंगे, 16+8 करेंगे, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। बहुत आसान, 16+8 किया जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, टोटल बॉयज निकल गए। अब एवरेज में आपने सिंपल यही करना होता है कि इसको आपने मल्टीप्लाई करना है जितने बॉयज का ये वेट है, यानी कि 50.25 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 45.15। क्या इन्होंने नीचे यही किया हुआ है, ये देखिए 50 मल्टीप्लाई बाय 0 50.25 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 45.15 मल्टीप्लाई बाय 8, इसको हमने सॉल्व किया 48.55, यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। ये भी सवाल काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, और इस सवाल में वो ये कह रहा है एवरेज वेट जो है हमारे पास ए बी और सी का वो हमारे पास 45 किलोग्राम है, ठीक है। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40 किलोग्राम एंड देन दैट ऑफ बी और सी इज 43 किलोग्राम, देन वेट ऑफ बी इज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखें ए और बी और सी अपने अपने वेट्स बता रहे हैं, अब हमें ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारे पास कितना होगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि एवरेज वेट ए बी और सी का 45 किलोग्राम है, तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 है ना, ए बी ए बी बी सी बी, ये 3 है हमारे पास, जो भी एलिमेंट्स कह लें या जो भी कह लें। अब यहाँ से हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं, एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 40 × 2, ये निकाल लिया, और बी और सी का भी हमें पता है कि बी प्लस सी इज इक्वल टू 43 × 2, 2 से मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि जितने नंबर हैं हमारे पास, नंबर हमारे पास कितने हैं, 3 है, यानी कि एलिमेंट्स कह लो, नंबर कह लो, फंक्शन कह लो, जो भी चीज़ कह लो, तो सिंपल हमने क्या किया, ए प्लस बी भी हमें पता है, बी प्लस सी भी पता है, ऐड कर दो इन दोनों को, या किसी ना किसी तरीके से बी की वैल्यू अब निकल आएगी, क्योंकि आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशन हैं, तो बी की वैल्यू आपके पास निकल आई जो कि हमारे पास है 31 किलोग्राम। किस तरीके से निकली मैं बता भी देता हूँ, देखिए हमने ये किया कि ऐड किया 2 और 3 को, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इस इक्वेशन से, ए और सी तो वाकई में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचा बी, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 166 - 135, 31 किलोग्राम, ठीक है जी। ये सवाल आपका हो गया। एक और सवाल मैं जरा आप लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट एवरेज का कराता हूँ, हाँ ये वाला सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है एवरेज के रिलेटेड। अब इस सवाल में देखें वो क्या कह रहा है, वैसे तो इस तरीके का सवाल हमें देखने को नहीं मिलता,
लेकिन ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लंबी स्टेटमेंट वाले सवाल जो है ना वो टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने ज़्यादा नहीं आते एयर के टेस्ट में और कॉम शर्ट के टेस्ट में, ठीक है। खैर इस सवाल को आप लोग समझे और आप लोग समझ के मुझे कमेंट्स में बताएं कि समझ आ गई ये सवाल क्या नहीं, अगर नहीं आए तो आई विल बी शेयरिंग। आगे चलते हैं जनाब, एवरेज कॉस्ट हमने निकालनी है भाई। द कार ओनर बायज अ पेट्रोल एट 7.50 रुपीज़ ₹8.50 पर लीटर फॉर द 3 सक्सेसिव ईयर, यानी कि तीन मुस्तकिल 3 सालों में जो है वो पेट्रोल खरीद रहा था। पहले साल में उसने 7.50 में ख़रीदा, दूसरे साल में या 8 रुपए में और तीसरे साल में 8.50 रुपीज़ पर लीटर में, ठीक है। एवरेज कॉस्ट क्या बनी पर लीटर उसकी अगर वो 4000 पर ईयर जो है वो एक्सपेंड करता है, तो सिंपल आपने क्या करना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ पहले पेट्रोल तो देखने कि कितनी कंज्यूम हुई है तीन सालों में, तो कैसा निकलेगी, 4000 डिवाइडेड बाय 7.50 प्लस 4000 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4000 डिवाइडेड बाय 8.50। यहाँ से आपके पास क्या निकलेगा, एवरेज टोटल क्वांटिटी, सॉरी टोटल क्वांटिटी हमारे पास निकल आएगी कि भाई टोटल क्वांटिटी कितना एक पेट्रोल कंज्यूम हुआ है, तो ये जो पेट्रोल कंज्यूम हुआ है ये हमारे पास इतना निकल आया। अब अमाउंट स्पेंड निकालनी है, तो अमाउंट स्पेंड कितनी होगी, तीन साल है ना, तीन सालों में उसने इतना किया कि इतने में लिया इतने में लिया इतने में लिया और 4000 उसने हर साल स्पेंड किया, तो टोटल अमाउंट स्पेंड किस तरीके से निकलेगी, 4000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ₹12000 जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। एवरेज किस तरीके से निकालते हैं, एवरेज आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं, सिंपल और सिंपल आपने क्या किया, हमने निकालना किया है ऊपर लिखा हुआ है कॉस्ट पर लीटर, तो आपको कैसे पता चलेगा ऊपर कॉस्ट आना है या नीचे कॉस्ट आना है, तो वो आपको इस तरीके से पता चलेगा कि कॉस्ट वाली चीज़ ऊपर आएगी, कॉस्ट वाली चीज़ ऊपर आ गई और कॉस्ट मतलब अमाउंट एक ही बात है, और लीटर्स वाली जो चीज़ है वो हमारे पास नीचे आ गई, विच इज 7600 डिवाइडेड बाई 51 ऊपर चला जाएगा और इस तरीके से ये सवाल जो है वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आप लोगों को करवा दिया है, इस सवाल का आपने स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे बता दें, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों को समझा दूंगा। अच्छा जी, ये लाइब्रेरी वाला सवाल भी हमने कर लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था लाइब्रेरी वाला। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यार, पता नहीं इसमें लोग गलती क्यों करते हैं, इसमें कोई गलती करने वाली बात नहीं है। देखें स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। यार वीडियो को लाइक वगैरह अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अ प्यूपिल मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63, वो ये कह रहा है कि जनाब प्यूपिल के जो मार्क्स हैं वो गलती से एंटर हो गए 83। प्यूपिल किसको कहते हैं, शागिर्द तो कहते हैं, किसी स्टूडेंट को कहते हैं, खैर उसके जो मार्क्स हैं वो गलत एंटर हो गए, ठीक है, 83 एंटर हो गए, 63 एंटर करने थे बेसिकली। अब वो ये कह रहा है ड्यू टू दैट एवरेज मार्क्स फॉर दैट क्लास गॉट इंक्रीज बाय हाफ, अब गलत एंटर करने की वजह से और ज़्यादा एंटर करने की वजह से जो एवरेज मार्क्स है इंक्रीज हो गई क्लास की हाफ से, 1/2 इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ पीपल्स इन द क्लास, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, अब नंबर ऑफ पीपल्स हमने निकालने हैं तो उसको तो सिंपल आपने लेट कर लेना है कि लेट द नंबर ऑफ पीपल्स इन द क्लास इज एक्स, नंबर ऑफ पीपल्स इन द क्लास को हमने क्या लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ पीपल्स इन द क्लास बी एक्स, ठीक है, हमने लेट कर लिया उसको एक्स के। अब हमारे पास जो ऑप्शन हैं वो देखें 10, 20, 40 या 73। अब यहाँ पर हमने जब इसको लेट किया तो हमने देखना है कि टोटल इंक्रीज कितना हुआ ना मार्क्स में, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 यानी कि हाफ से। क्यों मल्टीप्लाई किया 1/2 यानी कि हाफ से, मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि हमें पता चला कि जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो गए हाफ से, ठीक है, क्लास के मार्क्स, तो टोटल इंक्रीज हमने निकालना है, टोटल इंक्रीज हमने निकालना है, तो हमने निकाला x/2। अब x/2 इज इक्वल टू 83 - 63 करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और x से हमारे पास निकलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ शागिर्द हमारे पास कितने हैं, 40 हैं। बहुत आसान सवाल है, लोग इसमें गलती क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। ये प्रॉफिट और लॉस के सवालात हैं और ये प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस हैं और ये उनके फॉर्मूलाज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉस्ट प्राइस कहते हैं कि जिस प्राइस पे आपने कोई चीज़ खरीदी है, सेलिंग प्राइस कहते हैं कि जिस प्राइस पे आपने वो चीज़ बेची है, सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट हुआ है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस हुआ है। गेन किस तरीके से निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। लॉस किस तरीके से निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके। गेन परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं, गेन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। लॉस परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं, लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस किस तरीके से निकालते हैं, 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाय 100 बाय कॉस्ट प्राइस। इन फॉर्मूलाज को याद कर लो, अभी याद कर लो। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला एक और जो है, अगर लॉस में हमें गिवन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस अगेन अगर हमें प्लस में गिवन है यानी कि गेन हो रहा है उसमें तो प्लस आएगा गेन, और अगर लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस हो जाएगा, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा आसान और इंपॉर्टेंट सवालात हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड। अब यहाँ पर सवाल देखते हैं, अल्फर्ड बाइज, अल्फर्ड एक बंदे का नाम है, वो ये कह रहा है कि उसने जो है वो पुरानी स्कूटर खरीदी ₹4700 में और उसने 800 लगाए उसकी रिपेयर में, अगर वो स्कूटी बेचता है 5800 में तो उसकी गेन परसेंट क्या निकलेगा। ये तो वैसे आप फिंगर टिप्स भी कर सकते हैं लेकिन मैं अगेन आपको समझा देता हूँ। देखें 4700 में उसने स्कूटर खरीदी और उसने 800 लगाया रिपेयर में, अगर वो 5800 की बेचता है तो उसको गेन परसेंट कितना होता है,
देखें कॉस्ट प्राइस हमें पता लग गई, दोनों ऐड करेंगे क्योंकि रिपेयर में भी तो उसने लगाया ना, तो वो भी कॉस्ट प्राइस के जुमरे में आता है, तो 5,500 हो गया। सेलिंग प्राइस हमें पता चल गई, वो भी हमें पता है कि 5,800 है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसने बेची 5,800 की। गेन किस तरीके से निकलता है? गेन परसेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। गेन परसेंटेज का पहले तो गेन निकालो, गेन निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से। अब गेन परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है कि आपके पास गेन होता है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। गेन क्या है? 300 रुपए डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितने? अच्छा, गेन निकलता है इसी तरह से भाई, और लॉस निकलता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस करके। ठीक है, गेन निकलता है सेल माइनस कॉस्ट, लॉस निकलता है कॉस्ट माइनस सेल से। आगे देखें तो कॉस्ट प्राइस हमें पता है कि 20 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भाई, गला ही दुख गया मेरा। खैर, वो ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस 20 आर्टिकल्स की सेम है एज ए सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स इफ द प्रॉफिट इज 25%, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। देखें, लेट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस ईच पार्टिकल की या ईच आर्टिकल की वो है ₹1। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स की कितनी है? ₹x। ठीक है, सेलिंग प्राइस एक्स आर्टिकल्स की हमें पता है कि कितनी है? 20 है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है सेलिंग प्राइस के। प्रॉफिट निकल आएगा, प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं अगेन बता देता हूँ। सेलिंग प्राइस को जब कॉस्ट प्राइस से माइनस करोगे प्रॉफिट निकल आएगा। अब आपने क्या करना है? अब आपने निकालना है कि अगर आपका प्रॉफिट 25% है तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। अब 20 - x डिवाइडेड बाय एक्स, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आ गया 25% का, 25% प्रॉफिट होगा तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या निकलेगी? यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आंसर हमारे पास आया 16, विच मीन 16 इज द करेक्ट आंसर। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल, सेलिंग प्राइस अगर डबल हो रही है यानी कि एसपी डबल हो रहा है और हमारे पास प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट बताएं। देखिए, लेट कर लें सेलिंग प्राइस को एक्स के, चलो यहाँ पर इन्होंने लेट किया हुआ कॉस्ट प्राइस को एक्स के, सेलिंग प्राइस को वाई के, तो हम सेलिंग प्राइस को लेट कर लेते हैं वाई के इक्वल और कॉस्ट प्राइस को लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल। अब वो ये कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल प्रॉफिट ट्रिपल। अब देखें प्रॉफिट ट्रिपल, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रॉफिट ट्रिपल ट्रिपल। अब सेलिंग प्राइस इज डबल, सेलिंग प्राइस डबल का मतलब क्या है? 2y - x। ठीक है, 2y - x, तो यहाँ से हमारे पास निकल गया वाई की वैल्यू 2x। अब यहाँ पर सिंपल आपने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है जो कि मैंने ऊपर भी आपको बताया है, और आपने सिंपल इसको सॉल्व करना है जो कि हमारे पास आंसर आ रहा है 100%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, इसमें पहले की हमें चीज़ें पता है लेकिन हमने न्यू चीज़ें निकालनी है। वो ये कह रहा है एक सर्टन स्टोर है और उसकी जो प्रॉफिट है वो हमारे पास 320% है कॉस्ट की। सही है, आप कह रहा है अगर जो इसकी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाए 25%, अगर तो इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाए 25% लेकिन सेलिंग प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट, वट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट? अब वो ये कह रहा है कि जनाब एक सर्टन स्टोर है उसमें प्रॉफिट जो है वो हमारे पास 320% है कॉस्ट के, लेकिन अगर जब कॉस्ट इंक्रीज होगी 25% तो सेलिंग प्राइस रिमेंस कांस्टेंट, तो कितनी परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस जो है वो प्रॉफिट में गई है? अब हमें लेट कर लिया सेलिंग कॉस्ट प्राइस को, हमने लेट करते हैं कॉस्ट प्राइस को किसके इक्वल लेट किया? हमने कॉस्ट प्राइस को इक्वल लेट किया, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? 100 के इक्वल हमने लेट कर लिया, ये हमने खुद लेट किया, लेट करना जरूरी है सवाल में वरना सवाल नहीं होगा। प्रॉफिट हमने कहा कि 320 है क्योंकि उसने लिखा हुआ है प्रॉफिट इज 320 ऑफ द कॉस्ट। ठीक है जी, तो हम 320% को अगर खोलेंगे तो 320 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट 320 आ गया। सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास 420। अब ये 420 कैसे आया? देखें प्रॉफिट इज 320 ऑफ द कॉस्ट, ये तो हमें समझ आ गया और हमने कॉस्ट भी लेट कर लिया के 100 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कैसे हुआ? सेलिंग प्राइस रिमेंस कॉन्स्टेंट, हमने सेलिंग प्राइस को भी जो है वो 420 लेट कर लिया। ठीक है जी, सिंपल आपने न्यू कॉस्ट प्राइस निकाली, न्यू सेलिंग प्राइस निकाली, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया और रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज निकाली। ऊपर करना क्या था? व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया और आपने ये सवाल हो गया हल। ये बहुत आसान सवालात है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं। आप थोड़ा नीचे चलते हैं, प्रॉफिट और लॉस की चीज़ें आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होंगी। ठीक है जी, अब आपको लेके चलते हैं ज़रा इस तरीके के सवालात पे जो कि यूनिटरी मेथड कहलाते हैं। देखें, वो ये कह रहा है कि एक इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, एक ने 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट लिए, दूसरे ने 20% ऑफ द, अच्छा जो 20% ऑफ द वोट्स हैं वो इनवैलिड हैं। ठीक है, जो 20% ऑफ द वोट्स हैं वो इनवैलिड हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ द वोट 7500 हैं तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट वॉज। देखें इस सवाल को समझें, वो ये कह रहा है कि एक इलेक्शन हुआ उसमें दो कैंडिडेट खड़े हुए 55% टोटल वैलिड वोट्स से,
20% वोट इनवैलिड थे, रिजेक्ट हो गए। अब अगर टोटल नंबर ऑफ वोट 7500 है, 7500 है, तो नंबर ऑफ द वोट दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, क्योंकि हमें ये पता है कि एक ने तो 55% लिए, अगर अदर ने कितने लिए अब ये पता चलने की जरूरत है, ठीक है। और 20% ऑफ द वोट्स इनवैलिड है, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स निकाल लेते हैं, यानी कि 80% ऑफ वैलिड है ना, 20% अगर इनवैलिड है, ठीक है, 100% में से 20% इनवैलिड है, तो 80% वैलिड है, तो 80% कर लेंगे किसका, नंबर ऑफ वोटर्स का। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, 7500, तो ये आपके पास आ जाएगा 80/100/7500, जो कि आपके पास आंसर आ जाएगा 6000। अब वैलिड वोट्स कितने पुट किए, वैलिड वोट्स हमारे पास निकालने हैं अदर कैंडिडेट के वैलिड वोट्स आपने निकालने हैं। अब वो 45% होंगे 6000 के, क्यों देखें 45% क्यों, क्योंकि पहले ने तो 55% लिया, टोटल 100% होंगे, तो 100-55 कितना होगा 45, तो 45% ऑफ 6000, यहाँ से 45% को आपने चेंज करना है 45/100/6000, और आपके पास आंसर आ जाएगा 2700। बहुत आसान सवाल था ये, तीन कैंडिडेट्स हैं और उन्होंने इलेक्शन में लड़े हैं, और उन्होंने पहले ने 1136, दूसरे ने 7636 और तीसरे ने 11628 वोट्स लिए हैं रिस्पेक्टिवली। परसेंटेज निकालनी है टोटल वोट्स की जो कि विनिंग कैंडिडेट ने लिया है, विनिंग कैंडिडेट में से कौन सा, ऑब्वियसली 11000 वाला है, तो इसकी परसेंटेज निकालनी है कि कितने परसेंटेज, तो सिंपल आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो इनको टोटल निकालना पड़ेगा, इन सबको ऐड करो जितना भी बनता है, 11628 प्लस 7636 प्लस 1136, इनको ऐड करो और नीचे डिवाइड में लिख दो। रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालने के लिए पहले आपने टोटल नीचे डिवाइड में लिखना होता है, ये ऐड किया डिवाइड किया तो 20400 बना, तो 11628 डिवाइड बाय 20400 एंड वी गॉट 57% इज द करेक्ट आंसर। दो टेलर्स हैं एक्स और वाई, उन्होंने टोटल पे किया 5550 वीक बाय देयर एम्प्लॉयर। अच्छा जी देखें वो ये कह रहे हैं कि दो टेलर जो हैं उनको पे किया गया 550 रुपये हर हफ्ते एम्प्लॉयर्स की तरफ से। अगर तो पहले टेलर को 120% ऑफ द सम पेड टू वाई, हाउ मच इज द वाई पेड पर वीक। अच्छा जी वो ये कह रहा है कि अगर तो एक्स को जो है वो 120% ऑफ द सम ऑफ पेड टू वाई किया गया, यानी कि जो सम पे किया गया है वाई को उसके 120% पे किया गया, तो वाई ने हर हफ्ते कितना वाई को हर हफ्ते कितना पे किया गया। देखें लेट द सम पेड टू वाई पर वीक बी रुपीज इक्वल टू जेड। अब हमने ये कह दिया कि जो सम पेड हुआ है वाई के, हमें तो नहीं पता कितना सम पे हुआ है वाई को, तो हमने इसको जेड के इक्वल ले लिया। अब हमें ये पता है कि एक्स जो है वो 120% ज्यादा पे हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है कि इफ एक्स इज पेड 120% टू द सम ऑफ वाई, तो जेड प्लस 120% कर लिया, 120% को आप ब्रेक कर लो और आपके पास जेड की वैल्यू आ जाएगी विच इज 550, क्योंकि जेड प्लस 20% ऑफ 120% ऑफ जेड का मतलब क्या है, जेड प्लस 120 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जेड, सिंपल इज दैट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है जेड प्लस मल्टीप्लाई बाय जेड प्लस 120 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जेड इक्वल टू 550, यहाँ से हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी एंड यू गॉट दी आंसर। इसका पार्ट टू मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज आप लोगों ने जल्दी से जल्दी कर दिए तो मैं इसका आप लोगों के साथ पार्ट टू शेयर करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं, और इस वीडियो को आप लोगों ने अच्छा अच्छा सपोर्ट दिखाना है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।